मेरे प्यारे हीलर्स, मैं आप लोगों को फिर से एक बार बधाई दे दूं कि जिन लोगों ने हीलिंग प्लेस तैयार कर लिया। हीलिंग प्लेस कैसे तैयार करें, उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप उसे डाउनलोड करके देखिए। बहुत लोगों ने हीलिंग प्लेस तैयार कर लिया है और बहुत लोग तैयार कर रहे हैं। उनके लिए एक ख़ास बात, ये जो हीलिंग चार्ट आपके पास गई है, इसमें कि हीलिंग चार्ट दो आपके पास होना चाहिए, दो हीलिंग चार्ट, राइट। और ये जो अंतःकरण सिंबल है, अंतःकरण, ये जब आप जहाँ बैठते हैं हीलिंग करने के लिए, जिस स्थान पर, उस स्थान पर इसको नीचे ऐसे रखेंगे। देखिए, ये वाला हिस्सा ऊपर रहेगा ऐसे, और इसी के ऊपर आप चाहें तो हीलिंग सीट रख लें या कोई एक सीट रख लें और उसके ऊपर बैठ जाए। बैठ के आप अपनी हीलिंग करें या हीलिंग प्लेस पर जो क्लाइंट्स के फ़ोटोज़ रखी हैं उनको हीलिंग करनी है तो उनको हीलिंग करें। तो सबसे पहले इससे क्या होगा, आपका रूट चक्रा से एनर्जी बढ़ के क्राउन चक्रा में जाएगी। अंतःकरण यानी कि आपके अंतःकरण की सारी शक्तियों को एक्टिवेट कर देगी। तो आप तुरंत प्रोटेक्ट भी हो जाएंगे, चार्ज भी हो जाएंगे, आपके सारे चक्रा चार्ज हो जाएंगे और एक्टिवेट हो जाएंगे, आपकी पावर बढ़ जाएगी। फिर आप हीलिंग करेंगे। इसको वहीं पर रखेंगे और इसको आप बेड के नीचे, बेड शीट के नीचे भी रखें, एक सिर के पीछे, एक रूट चक्रा पे और एक पैर की तरफ, यानी कि तीन रखें एक बेड के ऊपर जहाँ पे आप सोते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी नेचुरल हीलिंग होती रहेगी। चूँकि ये सीट जो है, अंतःकरण चार्ट जो है, इसको चार्ज करके आपके नाम से भेजा जाता है। इसके बारे में डिटेल उसी वीडियो में बताई गई है और आप जब फ़ोन करेंगे तो आपको भी इसके बारे में डिटेल बताया जाएगा। लेकिन आप ज़्यादा ना सोचें, इन सबको अपने पास ज़रूर रखें। अब मैं इसमें जो बताने जा रहा हूँ वो ये है, हीलिंग चार्ट में देखिए आपके पास जब ये हीलिंग चार्ट पहुँच रहा है तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। हेल्थ, रिलेशन एंड फाइनेंस, ये तीन सेक्टर हैं सब इसके अंदर। इससे रिलेटेड सिलेक्टेड, मिरेकल, पावरफुल और श्योर रिजल्ट देने वाले अफर्मेशन के वर्ड्स हैं जो प्रोग्राम किए गए हैं, स्पेशली प्रोग्राम किए गए हैं। जो लोग वर्कशॉप में आते हैं उनको तो सामने सिखा दिया जाता है, लेकिन जो लोग वर्कशॉप में नहीं आ पाते हैं, जो ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो ऑनलाइन मंगा रहे हैं, उनके लिए थोड़ी दिक्कत आ रही है कि इसको कैसे इस्तेमाल करें। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझा, ताकि हम आपको वीडियो भेज देते हैं और आप चैनल पे हैं तो आप देख लीजिए, और नहीं हैं, अगर आपको ये वीडियो नहीं मिल पा रही है और ये चार्ट आपके पास जा रहा है, तो आपको इस वीडियो की लिंक भी साथ साथ में भेज दिया जाएगा, जिससे कि आप इसको कैसे इस्तेमाल करें, इसका पूरा मेथड दिया गया। देखिए, एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी एंड वर्ड्स, देखिए ये दोनों तरफ, इसमें दोनों तरफ अफर्मेशन लिखे हुए हैं। तो एक तरफ किसके लिए लिखा है, एक तरफ खुद के लिए लिखा है, खुद के लिए लिखा है। जैसे कि हेल्थ के लिए आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं, आपकी हेल्थ इश्यूज है, कोई भी, किसी भी तरह की कोई भी हेल्थ इश्यूज है, प्रॉब्लम है, बीमारी है, किसी भी तरह की बीमारी है, चाहे मेंटल हो या इमोशनल डिजीज हो या फिजिकल डिजीज हो, ये हो गई हेल्थ। अगर आपकी इमोशनल डिजीज़ है तो इसमें लिखा है कि अब चाहे इमोशनल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे फिजिकल हो, तो आपको इसमें लिखे हुए अपने लिए अफर्मेशन देना। रेकी जब आप कर रहे होंगे, फाइनली हीलिंग कर रहे होंगे, तो उसी टाइम पर ये अफर्मेशन देना अपने लिए। मैं हर दिन को अपनी, हर दिन के अपने ज़रूरी कार्यों को स्वयं ही करता हूँ। मैं स्वस्थ रहता हूँ, मैं शांत रहता हूँ, मेरे जीवन में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आती है, मेरे शरीर के सारे अंग पूरी तरह से हील रहते हैं, बैलेंस रहते हैं, चार्ज रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, सारे सेल्स एक्टिव रहते हैं, जिसकी वजह से मैं पूरी तरह स्वस्थ रहता हूँ और मेरे जीवन में स्वास्थ्य से संबंधित सारी चीज़ें आती रहती हैं और मैं पूरी तरह निरोग रहता हूँ, खुश रहता हूँ। इससे रिलेटेड इस सारे अफर्मेशन इसमें दिए हुए हैं, वो अफर्मेशन खुद के लिए करेंगे, राइट। अगर आप किसी और को हील कर रहे हैं तो उसके लिए अफर्मेशन यहाँ पे पलट के जब आएंगे, पलट के आएंगे तो दूसरी तरफ हेल्थ लिखा हुआ है, उस तरफ भी हेल्थ लिखा हुआ है, तो उसमें लिखा हुआ है भावनात्मक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य। आपके पास जब चार्ट जाएगा तो उस चार्ट को आप देखेंगे तो उसमें अफर्मेशन लिखे हुए हैं, तो वो अफर्मेशन आपको बोलना है। उसके लिए किसी भी व्यक्ति को आप हील कर रहे हैं तो उसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए पूरी तरह से, उसकी बीमारी ठीक हो जाए, तो उसका आपने पोस्टर बना के रखा हुआ है हीलिंग चार्ट पे, पिरामिड में, विश लिस्ट में, विश डायरी में सब लिखा हुआ है, और उसकी फ़ोटो, नाम, एज, एड्रेस का एक चार्ट बना के आपने रखा हुआ है हीलिंग प्लेस पर, और उसको आप रेकी देते हुए सिंबल्स आपने ड्रॉ कर लिए। उसके बाद से अफर्मेशन देना है। क्या देना है? इसमें लिखा है तुम सुखी हो, तुम शांत हो, तुम खुश हो, तुम दैवीय हो, तुम प्रेम से हो, तुम भरपूर हो, तुम आनंद से हो, तुम्हारा जीवन सुंदर है, तुम खुद की मदद करते हो, तुम्हारा शरीर स्वस्थ है। इससे रिलेटेड ढेर सारे अफर्मेशंस यहाँ लिखे हुए हैं, तो उसको आप इंडिकेट करके इंस्ट्रक्शन देकर ये अफर्मेशन देंगे। उसकी ऑरा में ये अफर्मेशन ट्रांसफ़र हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे रेकी के थ्रू, रेकी एनर्जी के थ्रू, उसमें जाके एनर्जी मिक्स हो जाएगी और वो एकदम फटाफट स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। कैसी भी कोई भी बीमारी हो, चाहे हॉस्पिटलाइज हो, ICU में हो, कैंसर हो, नी पेन हो, नी ट्रांसप्लांट किया गया हो और वो जल्दी से ठीक ना हो रहा हो, स्टोन हो, फीवर हो, हेडेक हो, कॉन्स्टिपेशन की बीमारी हो, या जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो किसी भी तरह की, या डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में हो, सुसाइड करने के लिए वो सोच रहा हो, या तमाम तरीके की कोई भी दिक्कत उसको हो, ये करेंगे। उसके बाद से रिलेशनशिप की कोई प्रॉब्लम हो गई तो रिलेशनशिप वाले उसके लिए करेंगे, फिनेंस के लिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए अफर्मेशन देंगे, एजुकेशन के लिए तो उसकी प्रॉब्लम के लिए अफर्मेशन देंगे, हीलिंग करते समय स्पिरिचुअलिटी के लिए वर्ड्स, ये सब 6 सेक्टर्स बने हुए हैं, 6 सेक्टर्स समझना है आपको। नॉर्मली इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, तो 6 सेक्टर बने हुए हैं, ये 6 सेक्टर यानी कि 6 एरियाज़ में हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इन 6 एरियाज से रिलेटेड अफर्मेशंस हैं अलग अलग, तो जिसकी जो बीमारी हो, जो प्रॉब्लम हो, उससे रिलेटेड अफर्मेशन इसमें लिखा हुआ है, उसके लिए आप अफर्मेशन देंगे, तो उसके लिए है। और अगर आपकी लाइफ में है तो इधर अपनी तरफ, जहाँ की मैं स्वस्थ हूँ, मैं, मेरा आध्यात्मिक, मेरा जीवन सुंदर है क्योंकि मेरे विचार सुंदर हैं, ये जो अफर्मेशन है जब आप अपने लिए देंगे तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल सुंदर होती चली जाएगी। और स्पिरिचुअलिटी के सेक्टर में, वर्ड्स, विश्व के सेक्टर में, फेमस पॉपुलरिटी के सेक्शन में आप जो अफर्मेशन देंगे, जिस फील्ड में आपको प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड सेक्टर में चले जाइए और वो अफर्मेशन देना शुरू करिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। 100% रेकी आपकी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाली है, बस आप उसी विश्वास साथ करें। और ये 2 चार्ट आपके ऊपर रखना है, 2 चार्ट इसलिए कि एक चार्ट जो रहेगा वो आप हीलिंग प्लेस पे रखे हुए हैं, जो वीडियो में बताया गया, हीलिंग प्लेस पे रख के, और 6 सेक्टर से संबंधित बीमारियां होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, तो जिसकी जिस सेक्टर से रिलेटेड बीमारियाँ, जैसे हेल्थ से रिलेटेड इशू है तो हेल्थ वाले में रख देंगे, इस रिलेशनशिप का रखेंगे तो रिलेशनशिप में उसकी फ़ोटो, नाम, एज, एड्रेस यहाँ लिख देंगे, रख देंगे, और इसके ऊपर एंजल कार्ड्स रख देंगे और रेकी कार्ड्स रख देंगे, राइट, जो रेकी कार्ड्स, एंजल कार्ड्स आप मंगवा रहे हैं हीलिंग के लिए, जो बताया गया है वीडियो में, वीडियो वो ज़रूर देखिए क्योंकि उसमें पूरा एक एक चीज़ करके वीडियो में दिखाया गया है, बताया गया है, वो सब आप समझ लीजिए अच्छी तरह से, समझ के फिर आप उसको करिए, तो देखिए रिजल्ट आएगा ही आएगा। उसी तरह से सारे सेक्टर में, तो एक आप हीलिंग प्लेस पर रखेंगे और एक आप अपने पास रखेंगे, इसमें देख देख कर अफर्मेशन देने के लिए, इसलिए 2 की ज़रूरत होती है। और जो भी चार्ट्स वहाँ पे दिए गए हैं हीलिंग प्लेस पे रखने के लिए, वो सारे चार्ट्स भी आपके पास होने ही चाहिए, पिरामिड्स उतने होने ही चाहिए जो बताए गए वीडियो में, जिससे कि आपकी हीलिंग पावर श्योर सामने वाले को भी रिजल्ट दे और आपको भी रिजल्ट दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस।